तुमने तो मेरे पास आना ही छोड़ दिया बेटा। क्या करूं मम्मा, टाइम ही नहीं मिलता। ऑफिस, बच्ची और पता नहीं क्या क्या चीज है। कोमल के माँ बाप का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? वो ठीक तो है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। लगता है जैसे कहीं बीच में अटकी हुई हो, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है। मैं ऑफिस और बच्ची में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं होता कुछ भी सोचने का, लेकिन उसके पास तो वक्त ही वक्त। कोई सोच है जो उसको अंदर से जलाए चली जा रही। वो हमारे सामने राख खो रही है। कभी कभार आप चाहकर भी लोगों को बचा नहीं सकता। उसे गुस्सा होगा आदि पर कि उसने तुम्हारी मदद क्यों की। मोहब्बत करती होगी अहमद से। इतना गुस्सा कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी चली जाए। और रही अहमद से प्यार की बात, सो मुझे कहीं नजर नहीं आता। क्या बात था? हैरत है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। नहीं, वो मुझसे अहमद के लिए कभी नहीं लड़ी। जब भी लड़ी, हादी के खिलाफ लड़ी। कोई मान सकता है कि हादी जैसे नेक आदमी से कोई नफरत भी कर सकता है? नफरत उससे वही कर सकता है जिसने उसे टूट के चाहा हो। तुम आ गई, उसके माँ बाप चले गए, कोमल ने पलटकर अपने मायके की शक्ल नहीं देखी। मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था अहमद के पास। वो घर जिसमें वो रह रही है ना, उसका घर नहीं है, फरार है उसके लिए। तुम समझ रही हो कि वो वहां बसी हुई है, लेकिन वो वहां से भाग रही। तुम क्यों इसे उल्टा सीधा सबक पढ़ा रहे हो बेटा? तुम अहमद के पास चली जाओ, बच्ची है इसकी, और जो कुछ उसके माँ बाप ने इसके साथ किया है वो भुगत रही है। मेरी बच्ची के बारे में 10 बातें हुआ करती थी ना, अब देख लो कि 10 लोगों को मेरी बच्ची खिला रही है। अल्लाह सबका होता है, तो फिर अल्लाह कोमल का भी तो होगा ना अम्मी। अब तुम आगे का सोचो, अहमद का उसके साथ मिलाप कराओ, और इसके बारे में भी सोचो, क्योंकि अब मुझसे घर के काम नहीं होते।